नमस्कार श्रोताओं, कहानियों की संसार में चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताऊंगा कि मृत्यु अटल है क्या? जो मृतलोक में आया उसे मरना जरूर है। हाँ, वास्तव में जो मृतलोक में आया है उसे मरना अवश्य है। चाहे कोई जीव हो, जंतु, आत्मा हो, जिसमें आत्मा होगी वो मरेगा जरूर। आपको बताते चलें, एक सज्जन थे जिनका नाम हरिवंश राय था। वो हमेशा मरना नहीं चाहते थे अपने आप में, मगर ऐसा मुमकिन है जो मृतलोक में आया उसे मरना तो जरूर ही है। आपको बताते चलें कि उन्होंने काल को मित्र बना लिया। उन्होंने कहा, मैं जब काल को मित्र बना लूँगा तब मैं मरूँगा नहीं। फिर उन्होंने काल से दोस्ती कर ली। काल से बोले कि अगर आप मेरे मित्र बन जाओगे तो मुझे मारोगे नहीं। फिर काल ने कहा, हे दोस्त, तुम मेरे पगड़ी पलटा यार हो, लंगुटिया यार हो। ये तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे मरना तो जरूर है, मगर मैं तुम्हें राहत दे दूंगा। मरने से पहले 4-5 महीने पहले बता दूंगा। हरिवंश राय बोले, मैं आपको 4-5 महीने पहले मुझे बता देना। काल से कहा, उनने कहा बता देंगे, जिससे आप अपना कारोबार अपने बच्चों को सही से सिखा देना। श्रोताओं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कहानियों को संसार, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। श्रोताओं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती चली काल से। उन्होंने सोचा, काल तो मेरा मित्र है, कि मुझे तो वो पहले बता ही देगा, कोई बात नहीं। दोस्ती चलते चलते जब उनका मृत्यु का नज़दीक टाइम आ गया, फिर काल उनके पास आया। दोस्त हरिवंश राय, अब चलो, स्वामी जी का आदेश है, यमराज का आदेश है, मुझे तो आपको लेके जाना है। फिर हरिवंश राय जी बोल रहे हैं, अरे मित्र, तुम तो धोखा किया मेरे साथ, तुम्हें तो सर मानी चाहिए। तुमने अपने मुझे वचन दिए थे कि मैं तुम्हें 4 पत्र लिखूंगा, तुमने तो मेरे लिए 1 भी पत्र नहीं लिखा है, बताओ आप कैसे मित्र हो। फिर काल बोला, हरिवंश राय, मैंने तो आपको 4-4 पत्र भेजे, मगर आपने तो मेरे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। हरिवंश राय बोले, क्या आपके पास कोई जो पत्र भेजी के स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, कोई प्राप्त पर्ची है? प्रमाण दिखाओ मुझे। काल बोला, मैं आपको प्रमाण दिखाऊं? चलो भाई, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने जब आपके सिर के ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा, आपके बाल मैंने सफेद कर दिए, फिर भी आप नादान बने रहे। आप बनावटी बाल, काले रंग, डाई लगाने लगे, फिर भी आपने नहीं सोचा, फिर भी आपने भगवान को याद नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, जिसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये मेरा पहला पत्र था। फिर हरिवंश राय बोले, दूसरा पत्र आपने कब भेजा? तब काल बोला, दूसरा पत्र मैंने आपको नेत्र की ज्योति के माध्यम से भेजा, जब मैंने आपकी नज़र कम करी, फिर आप मोटे मोटे शीशा वाला चश्मा लगाने लगी, चश्मा से आपको दिखने लगा, फिर भी आपने यकीन नहीं किया, फिर भी आपने परमात्मा का भजन नहीं किया। दूसरा पत्र। फिर हरिवंश राय बोले, मुझे तीसरा पत्र बताओ, कि तीसरा पत्र आपने मेरे लिए कब भेजा? फिर काल बोला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा पत्र मैंने भेजा आपको, मैंने पैरों से लकड़ा कर दिया, लकवा मार दिया, मगर फिर भी आप नहीं माने, आप डंडे की सहारे से चलने लगे। ये तीसरा पत्र था। हरिवंश राय बोले, चौथा पत्र तुमने कब भेजा? चौथा पत्र मैंने जब भेजा, जब मैंने आपको बिल्कुल अपंग कर दिया, चलने फिरने से बेकार कर दिया, आप चारपाई पे लेटे रहते थे, कोई उठने का सहारा नहीं था,
ये मैंने चौथा पत्र भेजा, मगर फिर भी आपने परमात्मा को आज तक याद नहीं किया, क्योंकि आप अपने अहंकार में चूर हो गए थे। धन और दौलत माया कोई साथ न जाए, तेरे सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस भिखारी बन के जाओगे, भिखारी बन के आए हो। क्योंकि जब चारों पत्र, अब हरबंस राय से कहा काल ने, अब चलो टाइम हो गया। अब हरबंस राय फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रो रहे हैं, हे मेरे दोस्त मुझे बचा लो बचा लो। मगर सृष्टि का नियम है, जो मृत लोक में आया हो उसे जाना तो अवश्य ही है, कैसे भी जाओ। ये तो चार दिन की चांदनी है, बाकी तो मेला है, एक किराए का रैन बसेरा है। क्योंकि धन और दौलत माया कितनी भी कमा लो, हवेली बना लो, कुछ नहीं जाएगा। क्यों करता है तू तीर मेरा, मेरी साथ ना जाए, मुट्ठी बांध के आओगी, हाथ पसार के जाओगी, पल पर के लिए लड़ते हो, क्यों कहते हो ये मेरा है ये तेरा है, नहीं साथ जाएगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।